मेरा जूता कहाँ है? जूता भी हो रही है। आपके मम्मी पापा यही सब कर दिए हैं। चोरी हो गया। जूता चुरा लिया मेरा। ए दीदी है, लगता है जीजा जी एकदम बुड़बक के चपाट है। जीजा जी आपकी माई बहन को सिखा के नहीं भेजी है कि जूता चुराई सिखा के भेजी ना जानता है साली जी, काहे कि हमर दोस्त सब दिन सिटी में रह के पढ़ा है ना, इसीलिए रस्मो रिवाज से बहुत दूर है। बोलिए क्या सेवा करे आपका। चलिए आप जैसे छुछुंदर लोगों से हमको कोई सेवा नहीं चाहिए। जीजा जी पैसा निकालिए और जूता लीजिए। रे दोस्त पैसा दे दो साली जी को। बोलिए साली जी कितना पैसा चाहिए? जितना मांगेंगे उतना दे दीजिएगा। आप जितना मांगिएगा उतना देंगे, बार बार देंगे, लगातार देंगे। ठीक है तो लाइए इसी बात पे 1,00,000 रुपया। इससे तो कुछ ज्यादा उपस्थित चढ़ी। रे दोस्त तुम ही संभाल रे। निकल गया ना हवा, बड़ा बीच में हीरो बन गया। हो गया उस ठिकाने पे। साली जी ये ज्यादा ना मांग दिए, तनी औकात में मांगिए। आप भी तो दहेज अपना औकात से ज्यादा मांगे थे, आपका पूरा हुआ ना, तो चलिए दहेज लेने में आ गए। एक झूठ चुराई के पैसे देने में इतना खोरे खोरे बेइज्जती कर दी रे। अच्छा छोड़िए वो सब बात, बोलिए कितना दीजिएगा। 11,000 रुपया देंगे। रे छोरा रे फ्री में पैसा आता है रे, ये 11,000 रुपया दे रहा है ये चच्चा। 101 रुपया में फरिया 200 के जूते है। ये हम सब फड़िया लेंगे, आप चुपचाप सोइए। 101 रुपया से ज्यादा नहीं देना। जूता लाइए और पैसा लीजिए, तो चचा के बॉस चलेगा तो वो पैसा नहीं मिलेगा। पहले पैसा लाइए ना। हाँ लीजिए ना 1,000। पैसे सर से निकाल रहा है। 3,000। साला कहाँ कोई धक्का मारा है, खुद जान बुझ कर मजा लेने के लिए छड़पा है और साला बात करता है। रे दोस्त ले जूता, चल दोस्त अपना सके बाहर चलो। ए साली जी एगो हमरो साथे फोटो खिंचवा लीजिए। मुंह देखे हैं, नहाए भी हैं, नया नया कपड़ो पहन के आए हैं, तो अपनी बहनिया के साथ जाके फोटो खिंचवा लीजिए। मिल गया जवाब। बाप साली तो बड़ा ऐठल है रे। तो ऐठले के ना सीधा करने में मजा आता है। भौजी बगले में बैठल है। जी जजमान जी मेहमान जी का खड़ा कीजिए, मतलब मेहमान जी को खड़ा कीजिए और धोती पहनाइए। जीजा जी खड़ा हो जाइए और धोती पहन लीजिए। हम नहीं पहनेंगे धोती। काहे नहीं पहनिएगा? ऐसे ही नहीं पहनेंगे धोती। पंडित जी इसी कपड़े पे ब्याह कराइए। इस कपड़े में विवाह नहीं हो सकता है मेहमान जी। पहन लीजिए दामाद जी। चैन दीजिएगा तब पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे। अच्छा चैन की डिमांड। संजी जी चैन देने का बात नहीं हुआ था, दामाद जी चैन मांग रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोलेंगे, ये आप दोनों ससुर दामाद का मैटर, आप ही दोनों समझिए। ससुर दामाद हो गए हम मांगने के। ठीक है दे देंगे, लेकिन विवाह के बाद देंगे। नहीं हमको अभी चाहिए, शादी के बाद नहीं दीजिएगा, रात गया बात गया, इसीलिए अभी दीजिए। ठीक है हम देते हैं, आप धोती पहनिए। पहले दीजिए उसके बाद धोती पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे। जब तक नहीं मिलेगा ये धोती नहीं पहनने वाला। लीजिए रे बेटा। ऐसे ही शादी मांगों को पूरा करना पड़ता है। बाप ने अपनी चैन उतार के दे दी। हम पुराना नहीं लेंगे, नया लेंगे। तो अभी नया चैन आपके बहन के हाऊ पर से आएगा। ले ले दोस्त ले ले चैन, बाद में तो भाभी तो निंचन सब छीन लेगी। अब दूल्हे का उनका चेहरा देखिए। ये लगता है उन्हें लाइन मिल मारने में लगे। बात क्या हुआ साला जी, बोले ना बाहर चले गए भाई का ये गुस्सा। जाएंगे बाहर। रे बुआ बुड़बक है रे, शादी ब्याह में इतना मर मजाक चलता है, छोड़ो। आप लोग आराम से बैठिए बुआ। तो विवाह हुआ संपन्न, दूल्हा दुल्हन के कोहबर में ले जाइए।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।